बीती यादों से नाता सहेजना सीखा। भूषण ज्वेलर्स, अनमोल रिश्तों के लिए। कोरोना महामारी के बीच कई लोग अलग अलग तरीकों से मदद के लिए हाथ बढ़ा रहे हैं। सिरमौर जिला के रेणुका विधानसभा क्षेत्र में NSY कार्यकर्ताओं ने विभिन्न इलाकों में सैनिटाइजिंग का जिम्मा संभाला है। रेणुका के कांग्रेस विधायक विनय कुमार ने आह्वान पर NSY कार्यकर्ता जहां सैनिटाइजिंग का जिम्मा संभाल रहे हैं, वहीं ऑक्सीमीटर के माध्यम से जरूरतमंद लोगों का ऑक्सीजन लेवल भी चेक कर रहे हैं। रविवार को NSY कार्यकर्ताओं ने संगड़ा क्षेत्र की दर्जनों पंचायतों में सैनिटाइजिंग का कार्य किया। विधायक विनय कुमार ने कहा कि रेणुका विधानसभा में कई ऐसे दुर्गम क्षेत्र हैं जहां बड़ी संख्या में लोग कोरोना पॉजिटिव हो गए, मगर ना तो कोई सैनिटाइजर की कोई सुविधा सरकारी स्तर पर है और ना ही लोगों को ऑक्सीजन लेवल चेक करने के लिए कोई व्यवस्था है। ऐसे में यहां सैनिटाइजिंग और ऑक्सीजन लेवल चेक करने का कार्य NSY कार्यकर्ताओं और अन्य कांग्रेस के कार्यकर्ताओं द्वारा किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि इस दौरान किसी भी तरीके से संक्रमण फैलने का खतरा ना रहे, लिहाजा स्वास्थ्य विभाग द्वारा जारी SOP का बखूबी पालन किया जा रहा है। आज हमारे क्षेत्र में NSY के जो छात्र हैं उन्होंने एक सैनिटाइज का प्रोग्राम शुरू किया है। उन्होंने सारी जगह जाके जो जहाँ जहाँ ये कोरोना के केसेस हमारे ज्यादा आ रहे हैं उन क्षेत्र में जाके जगह को सैनिटाइज किया है और साथ ही उन्होंने ऑक्सीमीटर से लोगों का ऑक्सीजन लेवल भी चेक किया है। मेरा उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं। वो इसी तरह से लोगों की मदद करते रहें और मेरा ये भी निवेदन है कि जो भी SOP हेल्थ डिपार्टमेंट की और गवर्नमेंट की है उसको पूरे ध्यान में रखते हुए अपने आप को मास्क लगा के, हैंड ग्लव्स लगा के और सैनिटाइज करके फिर इन सब चीजों का प्रयोग किया जाए। और साथ ही में मेरा ऐसा निवेदन है जो स्टूडेंट्स हमारे संगड़ा कॉलेज के, हरिगुजार कॉलेज के, जदाव कॉलेज के, जो भी NSY के स्टूडेंट्स इस मुहिम में अपना योगदान देना चाहते हैं तो वो आगे आए और हम उनको हर संभव सहायता देंगे ताकि वो लोगों की मदद कर पाए। तो ऐसे में जो ये एक प्रोग्राम रेणुका चुनाव क्षेत्र में हमने शुरू किया है उसमें समूचा जो क्षेत्र है वो कांग्रेस के लोगों ने 62 पंचायतों में ऑक्सीमीटर बांटे हैं और उस ऑक्सीमीटर से हम लोगों के ऑक्सीजन लेवल चेक कर रहे हैं। मैं बता देना चाहता हूं कि कई क्षेत्र हमारे ऐसे हैं जहां से 32 केसेस पॉजिटिव कोरोना के आ रहे हैं और उन क्षेत्र में उनको होम आइसोलेट किया गया है सभी लोगों को। तो ऐसे में कोई भी हेल्थ की टीम उन तक नहीं जा रही है और ना उनके ऑक्सीजन लेवल चेक किया जा रहा है। तो हमारे जो नौजवान छात्र हैं वो वहां तक पहुंच रहे हैं और ऑक्सीमीटर को लेके उनको ऑक्सीजन लेवल चेक कर रहे हैं ताकि उनको हर संभव सहायता मिल सके। और अगर किसी का ऑक्सीजन लेवल गिरता है तो हमने अपनी एक गांधी हेल्पलाइन रिलीज की है तो उस पर किसी भी फोन पे फोन करके हमारे मेडिसिन के लिए या ऑक्सीजन के लिए या कोई उनको हॉस्पिटल तक जाने के लिए जो भी संभव सहायता होगी वो हम प्रदान करेंगे कांग्रेस कमेटी।